इंडिया का हाईएस्ट सेलिंग रबर का मैं रिव्यू देने वाला हूँ, और वो रबर का नाम है ओमेगा 7 प्रो। हाईएस्ट सेलिंग क्यों है, उसका क्या क्वालिटीज है, कितना स्पीड है, कंट्रोल है, इतना आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि ये रबर से मैं एक या दो बार खेल चुका हूँ, और आज मैं थोड़ा खेल के फील करूंगा और समझूंगा कि क्यों ये इंडिया का हाईएस्ट सेलिंग रबर है। अगर आप एक ब्लॉक प्लेयर हो, बैकहैंड खेलते हो, बहुत ज़्यादा अटैक करते हो, सिर्फ प्लेसमेंट पे खेलते हो, या फिर आपको कोई भी स्टाइल हो और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़े रबर कौन सा, बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर आप ओमेगा 7 प्रो आप इजीली यूज़ कर सकते हो और आपको सब क्वालिटी ये रबर में मिलेगा। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें बहुत एडिशनल कुछ चीज़ है। यस, डेफिनेटली स्पीड, स्पिन और कंट्रोल का अच्छा कॉम्बिनेशन है, स्पीड के साइड थोड़ा ज़्यादा है, और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि सॉफ्टनेस है या फिर बहुत हार्ड है, या फिर अटैक कर रहा हो तो फिर वो फील नहीं आ रहा है या साउंड कम है। तो बोलूँगा बहुत ही एक बैलेंस रबर है ये दो रबर जो बना, एक वेगा जापान जो मैंने बोला एक बैलेंस रबर बनाया, और ये 7 प्रो ये बहुत ही बैलेंस रबर बनाया। इसलिए आज समझा कि ये हाईएस्ट सेलिंग रबर इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और कोई भी प्लेयर इसको अडेप्ट कर सकता है और यूज़ कर सकता है। अगर ब्लॉक करते कंट्रोल की मैं बात करूँ तो कंट्रोल मीडियम है, बहुत कंट्रोल नहीं कर रहा है बॉल को, ज़्यादा स्पिन अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, मीडियम कंट्रोल करके बॉल इजीली ट्रैवल कर रहा है, जैसे मैं टॉसिन मारते हुए सोचा था। और मैंने आपको पहले बताया था कि बैलेंस रबर है, ज़्यादा स्पिन को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, टच करके कॉन्टैक्ट करके इमीडिएटली रिटर्न कर रहा है। सेकेंड, अगर मैं बैकस्पिन में टॉसिन मार रहा हूँ तो उसका जो लिफ्टिंग एबिलिटी है वो अच्छा है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ रहा है पूरे मसल्स पे, इजी लिफ्ट हो रहा है। और इसका सबसे खासियत बात यह है कि मैं एक नॉर्मल वुड पे कार्बन प्लाई है, सॉरी ये कोई बटरफ्लाई या टॉप लेवल प्लाई नहीं है, उस ब्लेड पे मैं रबर को लगाया और खेल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वुड का इतना पावर ना होने की वजह से रबर पे इम्पैक्ट आएगा, वो कहीं भी फील नहीं हो रहा है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक टॉप लेवल बटरफ्लाई या फिर एक्सियोम के ब्लेड से खेल रहा हूँ, और उतना स्पीड और स्पिन मुझे फील हो रहा है ये रबर में।